हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव हेल्प चैनल एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आरआरबी ग्रुप डी पॉलिटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 27 दिसंबर 2013 एंड 8 दिसंबर 2016. सो स्टे ट्यून्ड विद कॉम्पिटिटिव हेल्प एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ दीस videos and share how much you can share. Okay, so let's start with the first question. In the Indian constitution, the power to issue a writ of habeas corpus is vested in, so the correct answer is yes, Supreme Court and High Court. Okay, yes, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारी पावर है, अथॉरिटी है रिट को इशू करने की, यानी कि रिट उनमें से एक हमें रिट दिया हुआ है, हमने हैबियस कॉर्पस, वो किसको दी गई है, वो किसको ग्रांट की गई है, वो किसको यानी कि कॉन्फर की गई है, किसको बेस्टो की गई है, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं. वेस्टेड यहाँ पे मतलब टू गिव, टू ग्रांट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. And the second question, which part of the Constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security? So, हमारे भारतीय संविधान में ये जो बात रेफर की, ये कौन सी, ये जो एक लाइन रेफर की गई है यहाँ पे बताई जा रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये कहाँ पर वर्णित की गई है, मतलब कहाँ पर इसका मेंशन किया गया है इसको. सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे पॉलिटिक्स में आप जो पढ़ेंगे ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें आप जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दिया हुआ है कि हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल किसके किसके तरफ, इंटरनेशनल पीस को बनाकर रखे हम और सिक्योरिटी को भी बरकरार बना के रखे. सो द थर्ड क्वेश्चन इज इन विच लिस्ट इज एजुकेशन इंक्लूडेड इन इंडिया. सो द कॉन्करेंट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर. इसमें आपका एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है. How many times has the Indian preamble been amended? कितनी बार भारतीय संविधान को संशोधित किया जा चुका है? एक बार सिर्फ. Let's move to the next question. Which one of the following is a violation of the right to life and personal liberty? Yes. So इनमें से कौन सा एक ऐसा option है जो basically दिखाता है, दर्शाता है कि जो हमारी जिंदगी के अधिकारों और हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों, पर्सनल अधिकार हो, स्वतंत्रता का क्या करता है, का उल्लंघन करता है. तो करेक्ट आंसर है ही इज नॉट अलाउड टू कंसल्ट हिज लॉयर. ओके, तो ये चीज गलत है कि आप अपने लॉयर को कंसल्ट नहीं कर सकते, ये चीज कहना गलत है. हम कर सकते हैं, ये वॉयलेट है, वॉयलेशन लाइन है, वॉयलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं हमारी किसी हमारी लाइफ की राइट का, अथॉरिटीज का और पर्सनल लिबर्टी का. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म, ओके ओके, सो प्रोनाउंसिएटेड प्रॉपर्टी सेक्युलरिज्म. ओके, सेक्युलरिज्म 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 इज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मींस धर्मनिरपेक्षवाद, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, भारतीय भारत के संविधान में इसका जो अर्थ है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या ये है कि सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ रिलीजन. यस, इसका मतलब ये है कि किसी भी वो किसी भी धर्म से हो उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उस नागरिक के साथ में. नागरिक की ये एक निजी अफेयर में होता है, ये निजी उसका अफेयर है, यानी कि प्राइवेट अफेयर कहा जाता है इसे, कि आप किसी के धर्म में वो ना करें, हस्तक्षेप ना करें. सो रिलीजन इज रिगार्डेड एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ अ सिटीजन. And the second, next question is the salaries and allowances of union ministers are determined by the right parliament. Parliament has the authority to determine the salaries and allowances of union ministers. Okay, let's move to the next question. The concept of welfare state is included in the Constitution of India. In the जो welfare state का जो concept है, आप लोग पढ़िएगा ठीक है, भारतीय संविधान में पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे लूसेंट की बुक में, तो आपको देखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसके बारे में कंसेप्ट के बारे में बताया गया, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के बारे में. ओके, कहां पर इंक्लूड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. सो द करेक्ट आंसर इज The right to vote is vested in to selected people. तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये क्या है, इसके अगेंस्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के. डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोकतंत्र के कोई भी अगर क्रिया है तो उसमें ऐसा तो कहा नहीं गया ना कि सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड पीपल को अधिकार दिए जाएंगे इसके वोट करने के, नहीं, सभी को अधिकार है वोट देने का. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव हेल्प चैनल इज ऑफ दिस वीडियो शेयर बाई कॉम्पिटिटिव चैनल. ओके, आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. सो दीज आर दी क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस टुडे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड ऑफ पॉलिटिक्स सेक्शन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस इयर्स ऑफ 27 दिसंबर 2013 एंड 8 दिसंबर 2016. सो प्लीज रीड इट एंड रिवाइज इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ सच वीडियोज एंड हेल्प एंड क्रैक देयर आरआरबी ग्रुप डी अपकमिंग एग्जामिनेशन इन जून. सो स्टे ट्यून्ड विद द कॉम्पिटिटिव हेल्प एंड लेट्स मीट टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.